बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं कि कैसे पैरेंटल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूज़र पर। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल पैनल पर, और कंट्रोल पैनल से हम लोग आएंगे यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। फैमिली सेफ्टी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर पैरेंटल कंट्रोल, पैरेंटल कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है और ये जो है स्टैंडर्ड यूज़र। इस पर हम लोग पैरेंटल कंट्रोल अप्लाई करेंगे। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है कि इन्फोर्स करंट सेटिंग, यानी इसको हम लोगों ने ऑन किया है। अगर ये ऑफ होगा, ऑफ होगा तो आप लोग यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये अनफ्रीज होगा। अभी यहाँ पर कुछ भी सेट नहीं हुआ है। टाइम लिमिट, गेम्स रेटिंग और प्रोग्राम लिमिट, ये सब ऑफ है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेट करेंगे कि ये जो यूज़र है, रेहान यूज़र, ये किस टाइम से किस टाइम तक ये यूज़र काम करेगा और किस टाइम तक ये काम नहीं करेगा। हम लोग यहाँ से टाइम लिमिट से उसको सेट करेंगे। टाइम लिमिट पर क्लिक करेंगे। टाइम लिमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इस यूज़र को अलाउ करेंगे कि किस टाइम से किस टाइम तक ये यूज़र काम करेगा और किस टाइम से किस टाइम तक ये यूज़र काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो है अलाउ और ब्लॉक, ब्लॉक जो है वो ब्लू कलर में है और जो अलाउ है वो वाइट कलर में है। तो मैं इस यूज़र पर रात के 12 बजे से और सुबह के 8 बजे तक इस यूज़र को, ये अब रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक ये यूज़र काम नहीं करेगा और रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक भी इस ये यूज़र काम नहीं करेगा। संडे को ये यूज़र 8 से 12 बजे तक काम करेगा और 12 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद 3 बजे से 8 बजे 9 बजे के रात तक ये काम कर सकते हैं संडे में। तो ऐसे दोस्तों मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब दिनों में ये हमारे हाथ में है कि किस टाइम से किस टाइम तक ये यूज़र काम करे, किस टाइम से किस टाइम तक ना करे। तो सिर्फ हम लोगों को उस कलर को ऐसे ब्लू करना है तो वो टाइम में, उस दिन में वो यूज़र काम नहीं करेगा और जो बाकी के वाइट कलर में है उस टाइम में ये यूज़र काम करेगा। तो ये था हमारा टाइम लिमिट। ओके, उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन जो है ये गेम्स का है। तो हमारा ये यूज़र कौन से गेम्स को यूज़ करेगा, कौन से गेम को नहीं करेगा, ये हम लोग सेट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कैन रेहान प्ले गेम, यस। अगर आप उसको बिल्कुल गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं करना चाहते हो तो उसको नो कर दो, तो वो बिल्कुल गेम नहीं खेल सकता है। अगर आप चाहते हो कि वो कोई गेम जो आप उसको बताना चाहते हो वो प्ले कर सके और जो आप बताना नहीं चाहते हो वो प्ले ना कर सके तो यस। और यहाँ पर आते हैं सेट गेम रेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग उसको बताएंगे कौन से गेम को उसने प्ले करना है, कौन से नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग जो जिसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा, इसके ऊपर अब मैंने क्लिक किया है तो ये गेम ये प्ले कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। तो ये होता गेम का लिमिट। और अभी
कौन से प्रोग्राम को वो यूज़ कर सकता है, हम उसको ये लिमिट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे अलाउ एंड ब्लॉक स्पेसिफिक प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेहान कैन यूज़ ऑल प्रोग्राम्स। अगर आप उसको ऑल प्रोग्राम यूज़ करने देते हो और रेहान कैन ओनली यूज प्रोग्राम आई अलाउ, तो ये क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद जो प्रोग्राम आप चाहते हो कि वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसको आप यहाँ से चिक मार्क करोगे। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, मैंने उसको चिक मार्क किया है कि वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद ये कोड ब्लॉक्स, यहाँ पे तुम्हारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आप चाहते हो कि वो यूज़ करें, तो उसको आपने चेक करना है। फिर उसके बाद ओके। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल और ये था पैरेंटल कंट्रोल कि कैसे हम लोग एक यूज़र को उसके ऊपर पैरेंटल कंट्रोल अप्लाई करेंगे कि जो हम चाहे वो सिर्फ वही प्रोग्राम को यूज़ करे और वही जो टाइम हम लोग चाहे कि वो उस टाइम में इस यूज़र को यूज़ करे, तो हम यहाँ से उसके लिए सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।